टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा से जुड़ी हुई लंबी चुप्पी के बाद पश्चिम बंगाल की सीएम ममता बनर्जी अपनी सांसद महुआ मोइत्रा के समर्थन में खुलकर अब सामने आ गई हैं। ममता बनर्जी ने कहा कि महुआ को लोकसभा से निष्कासित करने के लिए योजना चल रही है, इससे महुआ को चुनावी फायदा होगा। और इस पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने पलटवार करते हुए कहा कि अगर माफिया डॉन दाऊद इब्राहिम आजमगढ़ से चुनाव लड़ेगा तो जीत सकता है, इसका मतलब यह नहीं कि दाऊद देशभक्त है। এদের প্ল্যান এখন মহুয়াকেও তাড়িয়ে দেওয়া, তাতে তো পপুলার হয়ে যাবে তিন মাসের জন্য, যেটা ভেতরে বলতো সেটা বাইরে বলবে, রোজ প্রেস করে বাইরে বলবে, হয়ে গেল। কি যায় আসে, মূর্খ না হলে কেউ এই জিনিস করে ইলেকশনের তিন মাস আগে? দেখে দাউদ ইব্রাহিম ভি যদি আজমগড় সে লড়েঙ্গে উত্তর প্রদেশ সে তো মুঝে লাগতা হ্যায় কি 99% চান্স ইয়ে কি ও চুনাও জিত জায়েগা। तो इसका मतलब यह है कि दाऊद इब्राहिम देशद्रोही नहीं है। यदि ममता जी की यही थ्योरी सही है तो इसका मतलब ये नहीं है। जब ये देखा गया लॉगिन क्रेडेंशियल, जो कल से जो मीडिया में खबरें आ रही हैं वो तो काफ़ी अलार्मिंग है। वो ये कह रहा है कि एक ही व्यक्ति, केवल एक दर्शन हीरा नंदानी को इसने मेल आईडी नहीं दिया, बेंगलोर से भी सेम डे सेम समय खोला जा रहा है जब महुआ यहाँ मौजूद है कलकत्ता में, दिल्ली से भी खोला जा रहा है, सैन फ्रांसिस्को अमेरिका से भी खोला जा रहा है। ये बहुत बड़ी कंस्पिरेसी है। दर्शन हीरा नंदानी, अडानी, ये सब तो छोटी चीजें हैं।